यल। मैम साहब ये तो आधे ही पैसे हैं, हमने तो बस पूरे महीने में 4 ही छुट्टी मारी थी। बदतमीज, जुबान लड़ाता है। नौकर है, नौकर की तरह है। मुझे पता है कि तूने 4 ही दिन छुट्टी ली थी, पर ये जानकर मैंने तेरे को तेरी आधी पगार दी है ताकि तेरी अक्कल ठिकाने आए और अगली बार से तो छुट्टी ना ले। मैम साहब ये तो गलत है ना, हमने आपके घर में इतने टाइम से पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हमने सब किया। आप तो खाना खाकर बर्तन तक सिंक में नहीं रखती थी, वो सब भी हम ही करते थे, फिर भी आपने हमारे पैसे काट लिए। मैम साहब ऐसा मत करिए, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, हमारे भी छोटे भाई बहन हैं। देख रमेश, चुपचाप जाकर अपना काम कर, जो डायलॉग बाजी है ना मेरे सामने मत कर, समझा? जा। क्या हो रहा था ये सब? अरे कुछ नहीं, आजकल के नौकर काम चोरी होते जा रहे हैं बस। पर उसने तो बेचारे ने 4 दिन की छुट्टी मारी थी और तुमने उसके पूरे 15 दिन के पैसे काट कर लिए। देखो तुम मेरे घर के काम में दखल अंदाजी मत करो, तुम अपना काम करो। हेलो। हाँ मैं। हाँ हाँ तो आ जा, तेरा ही घर है। ठीक है आ जा। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरे मेरी बहन का कॉल था, वो 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ रहने आ रही है। रमेश, रमेश। जी मैम साहब। 1 हफ्ते के लिए मेरी बहन आ रही है हमारे साथ रहने, तो 1 हफ्ते छुट्टी मत दियो। और हाँ, पूरा घर अच्छे से साफ कर दे और बेडशीट्स भी बदल दे, ठीक है? अब जा काम कर। जी मैम साहब। मैं सोच रही थी उसका फेवरेट खाना बनवा लेते। हाँ चलो। दीदी। अरे काजल आ गई? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अच्छा ये बताओ अपना ये बैग कौन सा रूम में रख दूँ? तू क्यों रखेगी, तो 1 मिनट रुक। रमेश, रमेश। जी मैम साहब। ये जो बैग है ये रूम में रख दे और फटाफट चाय और नाश्ते की तैयारी कर, और हाँ उसके बाद बर्तन धो लियो। ठीक है मैम साहब। तो अभी तक बर्तन ही धो रहा है? चल हम सबके लिए चाय बना। मैम साहब अभी आधे घंटे पहले तो बनाई थी। मेरी मर्जी, मैं कितनी बार भी चाय पीऊं, और तुझे कितनी बार समझाया मुझसे जबान मत लड़ाया कर, अब चाय बना के लेके आ। ठीक है मैम साहब। ये लो मैम साहब चाय। 2 कप चाय बनाने में इतना टाइम लगता है? और कपड़े वो तो धुले नहीं होंगे अभी तक। चाय रख और फटाफट कपड़े धो के आ, बहुत ज्यादा काम चोर होता जा रहा है तू आजकल। ठीक है मैम साहब। दीदी क्या बात है, सही कंट्रोल में किया हुआ है आपने तो। ये तो काम कैसे चलेगा। रमेश ये कहाँ गया, बर्तन भी गंदे हैं। रमेश, रमेश कहाँ मर गया ये? रमेश कहाँ चला गया ये? छत पे भी नहीं है, पूरा घर गंदा पड़ा है। दिमाग खराब कर दिया इसने। क्या हुआ, काफी परेशान लग रही हो? पता नहीं है रमेश कहाँ मर गया है, आया नहीं अभी तक। अरे यार मैं तुम्हें बताना भूल गया, अभी वो रमेश का छोटा भाई आया था, उसने कहा कि रमेश की थोड़ी तबीयत खराब है तो 3-4 दिन तक नहीं आएगा और शायद हॉस्पिटल भी एडमिट करवाना पड़ेगा उसे। क्या, अब घर के काम कैसे होंगे? काश यार मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, पर इस वीक ऑलरेडी मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी बेबी। चलो मैं चलता हूँ। टाइम का पता ही नहीं चला, काफी लेट हो गया, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। दीदी मेरा हो गया।
बेबी एक गिलास पानी देना यार। पानी क्यों, जूस ला देती हूँ, तुमको दिखता नहीं पूरे दिन घर में कितना काम करती हूँ मैं। अरे रमेश इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ बहाना बना के बैठा है, कुछ भी मारनी मारनी है, घर में बैठ के छुट्टी इंजॉय कर रहा है। और तुम मेरी बात मत मानना, मैंने बोला था कामचोर हो गया वो, पर नहीं, ये देखो पूरा दिन काम कर करके ना मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं, पूरा शरीर टूटता है मेरा, नौकरानी बना के रख दिया है बस। अच्छा चार दिन काम करना पड़ा तो तुम्हारे हाथ में छाले पड़ गए, तुम्हारा शरीर टूट गया, कभी सोचा रमेश पर क्या बीतती होगी? तुम तो दिन भर उसे अपने इशारों पर नचाती थी, सुबह शाम उसे काम करवाती थी, और वो बेचारा अगर 5 मिनट आराम कर ले तो तुम उसे कोई ना कोई काम बता देती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, वो भी एक नौकर था और तुम उसे एक मशीन की तरह यूज़ करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे रमेश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। रमेश, रमेश तुम, तुम्हारी तो तबीयत खराब। वो इसकी तबीयत खराब नहीं थी, मैंने इसको 3-4 दिन की छुट्टी दी थी ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि एक नौकर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और तुम इसे दिन भर काम करवाती थी, ये भी मेहनत करते हैं। रमेश ये लो, जो तुम्हारी पिछले महीने की मैंने पगार काटी थी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्रिया मैम साहब, भगवान आप दोनों को खूब तरक्की दे। चलो अपना काम करो, बैठो तुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को आपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से शेयर कीजिए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook को फॉलो करें, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।